कलाम की हमेशा ये काबिश रही है कि पहले खुदा की हम्द कर दो ताकि अब्द और नाबूद का तसव्वुर बाकी रहे। Oh!
और उस शेर का खुलासा दो लफ्जों में कह दूंगा। खुतबे का यही कमाल होता है कि बहुत मुख्तसर और बहुत अच्छा होना चाहिए ना, स्वीट एंड शॉर्ट कहते हैं। मैं जब मजलिस पढ़ने गया था तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो एक बेचारे वो उर्दू नहीं जानते थे, हमने 35 मिनट की मजलिस ली सादे सीधे लफ्जों पर, तो उनकी समझ में आ गई। मुझसे कहते हैं स्वीट एंड शॉर्ट थी, मैंने कहा शायद मिठाई उठाई खिलाने की बात कर रहे हैं। नबे अजीम के बारे में
محمد و آل محمد. میں جنتوں کا سجانے والا ہوں. آپ کا گھر کوئی غیر آ کے ڈیکوریٹ نہیں کرتا، ہم خود اپنا گھر سجاتے ہیں. علی کو چھوڑ کے جنت کا تصور نہ کرو، میں جنت کا سجانے والا ہوں. اللہ مطعم الانس والجان، کیا مطلب دیا ہے، میں انسان اور جنات کو کھلانے والا ہوں. اشرا پڑھا
खिताब करे तो तुम सलामत रहो। जवाब देना ही मतलब जाहिर तजिया मत को उसी तरह का जवाब दे दिया। कहा अगर अल्लाह को बुरा लगता था तो रोक लेता। कहा कैसे? कहा रोका है उसने जिसने लफ से अना कही है। सुना दूं आता है आपको जो सुने हैं उनसे माजरत के साथ, लेकिन बात आ रही तो जो लफ से अना आ रहा है ना, चूंकि बहुत से बच्चे हैं जो बाहर जाएंगे तो मिसगाइडिंग होती है कि अना कह दिया अना कह दिया, तो उनके जहन में बात आनी चाहिए कि मौलाए कायनात लफ से अना कह के नौज़ु बिल्लाह अपने को तौहीद से टकराने के जो तौहीद का महाफिज है वो तौहीद पर आंच नहीं आने देता। लेकिन रसूल और अहले बैत को अना कहने का हक मिला है तो कह रहे हैं। अब जब वो चला गया तो छठे इमाम के सहाबी थे रुशैद इब्ने शाज़ान फज़ल के भाई, ये बड़े मुहक्किक थे, सवाल तकरीर के सवाल परेशान थे, हिम्मत भी नहीं पड़ेगी पूछने की, मसला बड़ा नाजुक था, लहजा भी बहुत बदला हुआ था मुफस्सिर से। मैंने क्यों परेशान हो रुशैद? कल आपने एक बात कही थी, कहा बैठो बड़े तुम्हें बता, कहा अल्लाह को अनानियत पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि खुदा वंदे आलम ने बाज़ अख्तियार हमारे बैत को दिया है जो किसी को नहीं दिया है। उसने एक अख्तियार है जो उसका मखसूस अख्तियार है, क्या है? हम ही को हक है कि हम ना कह सकें, हमारे अलावा जिसने भी आना कही है उसे शर्मिंदा जरूर किया। तकब्बुर गुनाह है, फख्र को भी अल्लाह पसंद नहीं करता। किसने किसने फख्र किया? सबसे पहले मूसा का वाकया मिलता है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। आप बताए ना, मूसा ने तो अपने सेल्फ के लिए कहा था, ये नहीं कहा था मेरा इस पे अख्तियार है मेरा उस पे अख्तियार है, लेकिन अल्लाह ने कहा मूसा तुम बहुत पढ़े लिखे समझते हो, तुम जाओ फिर से पढ़ो। बोला हुआ क्या था? मूसा का इल्म गैब अल्लाह ने सल्फ कर दिया। इल्म गैब ही तो इल्म है, किताब रटने का नाम थोड़ी है। इल्म सल्फ कर लिया। आप देखें लहजा पुराने मजीद का, मूसा पहुंचे क्यों आए पढ़ने आए, आप मेरे इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उलुल अज़्म नबी है, साहिब किताब नबी है मूसा, वक्त का नबी है, खिज़र की नबूवत भी खत्म हो गई है, साहिब किताब भी नहीं है, उलुल अज़्म भी नहीं है, क्या कहते हैं आप मेरे इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सोचने और लफ्ज़े अना के सोचने का नतीजा है। काफिर आया हूं पढ़ाना है, कहा एग्जाम दो टेस्ट लूंगा, पास हो गए तो पढ़ाऊंगा। एग्जाम क्या है? जो मैं काम करूं ना रोकना ना टोकना। सूरह कसस में वाकया मौजूद है, जनाब खिज्र ने कश्ती तोड़ी, टोक दिया, टोका वापस जाओ, नहीं अब नहीं टोकेंगे। उलुल अज़्म नबी, टोका तो वापस जाओ, तीन मकाम पर बच्चे को कत्ल किया, टोक दिया, दीवार को खड़ा टोक दिया, तो क्या कहा तुम मेरे इल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाजा फिराकुन बैनी व बैनकुम, तुम यहां से चले जाओ। इब्न अबी हजीज मुतज़िल ने खुतबे के बारे में लिखा है कि अल्लाह ने जनाबे मूसा का इल्म गैब सल्व कर लिया था, अगर इल्म गैब होता तो पता होता कि कश्ती क्यों टूट रही है। मैं क्या कह गया आपसे, चले आए खिज्र ने कहा आप परवरदिगार मैंने तो मूसा को पढ़ाया, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस जिसने भी अना का लफ्ज इस्तेमाल किया उसे अल्लाह ने जरूर रोका और टोका। सवाल क्या है मौला? क्या वो हमने कायनात बनाई, बताओ कौन सी चीजें साथ हैं जो एक दूसरे पर हावी हैं? जा तुम्हें हमने वक्त मालूम की मोहलत दे दी। मूसा का दौर गया, खिज़र को जवाब ना आया, बहुत पढ़ा लिखा समझ रहे थे। ईसा का दौर गया, खिज़र के पास जवाब ना आया, रसूल आए, मदीना आया, मौलाए कायनात इमाम हसन की उम्र जब 2 साल की थी तब खिज़र से अल्लाह ने पूछा जवाब मिला? कहा नहीं मिला। कहा जाओ मदीने और मेरी तरफ से जवाब देने वाले आ गए। अब ये पहुंचे मस्जिद नबी में, रसूल ने इहतराम किया, सहाबी पहचान नहीं रहते कौन आया है, लेकिन इमाम हसन भी पहचान रहे थे और रसूल भी पहचान रहे थे, दोनों इहतराम में खड़े हो गए। इब्न अबी हदीद ने बड़ी दिलेरी से काम लिया है, लिखता है जो खिज़र को न पहचाने वो सहाबी है, जो पढ़ा दे वो इमाम है। बैठा
मैंने क्या कहा, 2 साल की उम्र है इसी को मुतशाबे कहते हैं। उंगलियों से नाना के जानू पर कुछ नाम ऐसा बना रहे थे। कहा परसों पहले अल्लाह ने सवाल किया था, मुझे उसका जवाब दिया, बच्चे से पूछ लो। नबी के साहिबे फजल हैं ये भरत के, कहते रसूलल्लाह मैं तो आपसे पूछने आया हूं, बच्चे से कह रहे हैं लेकिन इसे तुमको बताता बच्चा नहीं इमाम है। मासूम वो भी है
फसल आपको जहां आपने ऐलान किया कम वो पसंद नहीं है खुदा को कि मैं ले आओ, लेकिन ये मैं अहले बैत से जोड़ दो, मैंने बहुत अदादारी की, मैं बहुत अली का चाहने वाला। हाय हाय सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन इंशाअल्लाह, ये अमीर के लफ्ज पर बहस करूंगा, 80 माना है अमीर के, 80 माना। अभी हमारे पास पूरा जैसे कहते हैं ना रा मेटेरियल है, उसको पढ़ना भी मुनासिब नहीं। अमीर के माने 80 है, ये मोमिन का अमीर है बस, तवज्जो फरमा। अमीर जो लफ्ज आया है अना अमीर अल मोमिनीन, अना लिसान नातकीन, मैं बोलने वाले की जबान हूं। उसका नजरिया है कि
طرح کی تو داد ہمیں ملنی چاہیے. بادل میرے حکم سے برستا ہے. ابے بادل کے معنی کیا لیے ہیں وہ تو وہی جانے. بادل برسے گا کر رہے ہیں اور علی کا ذکر پر سبحان